ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रतापगढ़ स्टेशन से चलने वाली 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी 5 जोड़ी ट्रेनें। बता दें कि ट्रैक दोहरीकरण के चलते PRL पैसेंजर और इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव 28 फरवरी तक चिल्लिया जंक्शन पर नहीं होगा। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रतापगढ़ जंक्शन आना होगा। वहीं 20 से लेकर 28 फरवरी तक 5 जोड़ी ट्रेनों को रेलवे बोर्ड ने निरस्त कर दिया है, जबकि 6 जोड़ी ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया है। वहीं भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रायबरेली से किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए स्टेशन अधीक्षक समय मोहम्मद ने बताया कि लखनऊ से चलकर प्रयाग घाट को जाने वाली PRL पैसेंजर अप और डाउन के साथ ही लखनऊ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव चिल्लिया जंक्शन पर 28 फरवरी तक नहीं होगा। ट्रैक दोहरीकरण के चलते 20 से 28 फरवरी तक रायबरेली जौनपुर इंटरसिटी, लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी, PRL पैसेंजर, 1F पैसेंजर, वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। पंजाब मेल फाफामऊ उचाहार के रास्ते लखनऊ जाएगी। अर्चना एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, सुल्तानपुर और दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का संचालन जगही जौनपुर के रेल मार्ग से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बीच साकेत एक्सप्रेस प्रतापगढ़ न आकर शाहगंज, जफराबाद और जगही के रास्ते प्रयागराज होकर मुंबई जाएगी, जबकि यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस फाफामऊ उचाहार होकर संचालित की जाएगी। वहीं भोपाल एक्सप्रेस का संचालन रायबरेली से होगा। यात्री टिकट खरीदने या फिर सफर तय करने से पहले किसी भी स्टेशन पर जाकर ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी लें, तभी अपनी यात्रा करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रतापगढ़ के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए मैत्री मैच में बार ने बेंच को 8 विकेट से हराया। बता दें खेल स्टेडियम में रविवार को बेंच 11 और जूनियर बार एसोसिएशन के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच हुआ। इसे जूनियर बार एसोसिएशन की टीम ने 8 विकेट से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंच 11 की टीम ने 20 ओवर के मैच में 3 विकेट पर 201 रन बनाए। जूनियर बार एसोसिएशन की टीम ने इसे 15.4 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। जिला जज प्रदीप सिंह बेंच 11 और इंदौर में जूनियर बार एसोसिएशन की टीम के कप्तान रहे। इस मौके पर संतोष रनमेश के अलावा ओम प्रकाश मिश, अयोध्या प्रसाद मिश समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जिला अस्पताल खबर की, जहां सगुन कुट में हुए व्यापक पैमाने पर धांधली के आरोपों को सीएमओ ने किया सिरे से खारिज, कहा माने के अनुरूप हुआ है टेंडर। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में सगुन किट के नाम पर बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया, जिसमें आरोप लगा था कि 12,000 किट की परचेजिंग हुई जबकि 16,000 की बिक्री हुई है और सभी का भुगतान भी कर दिया गया। सगुन किट धांधली की शिकायत शासन स्तर पर की गई थी, जिसे प्रतापगढ़ के सीमों ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह मानक के अनुरूप किया गया है। पूरी टेंडर प्रक्रिया CCTV कैमरे की निगरानी में हुई है। फिलहाल उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जितनी परचेजिंग हुई है उसी के अनुसार ही बिक्री भी की गई है। जो भी धांधली का आरोप लगा रहे हैं पूरे आरोप निराधार हैं। कुछ ऐसे पुराने लोग हैं जिनकी मठाधीशी अब नहीं चल पा रही, शायद यही वजह है कि वह लोग इस तरीके के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि पूरी मॉनिटरिंग के साथ साथ समीक्षा के बाद ही किसी भी टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है और सगुन किट में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। बता दें कि फर्स्ट टाइम गर्भवती होने वाली महिलाओं को यह किट दिया जाता है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के तमाम ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर आज तक किट का वितरण नहीं हुआ, लेकिन इसका भुगतान कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की खबर की, जहां बाबा घुसननाथ धाम में आयोजित किया गया 28वां राष्ट्रीय एकता महोत्सव। शनिवार की शाम से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों में महोत्सव में रंग भरा। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर लखनऊ से आए कलाकारों ने शिव तांडव की प्रस्तुति से भाव विभोर कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम को देखने के लिए न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि आसपास के कई जिलों से भी लोगों का यहां पर सनसैलाब उमड़ा रहा। बता दें कि यह कार्यक्रम पिछले 28 वर्षों से राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रमोना के नेतृत्व में होता चला आ रहा है, जिसका उद्घाटन प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया। कार्यक्रम के समापन में पहुंची भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने भी अपने कला के माध्यम से और स्वर संगीत के माध्यम से लोगों में समा बांध दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली खबर सदर इलाके से, जहां सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया स्वर्गीय पत्रकार अरुण कुमार पांडे की पुण्यतिथि। बता दें कि यह पूरा कार्यक्रम प्रतापगढ़ शहर के भद्री हाउस स्थित स्वर्गीय पत्रकार अरुण कुमार के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें इलाके के तमाम संभ्रांत लोगों के अलावा काव्य और कलाकार भी पहुंचे। काव्य के माध्यम से लोगों ने पत्रकार अरुण कुमार को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया।